जय माता दी दोस्तों। तो आज एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में, और आज हम आपको यात्रा कराने के लिए आए हैं शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ, और आज हम आपको शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ की यात्रा कराएंगे। तो जोर से बोलिए जय माता की। तो पहले चलते हैं बाबा भूरादेव मंदिर, जो कि प्रथम पूजा है। शाकुंभरी देवी में जाने से पहले सभी को भूरादेव पर जो है सबको प्रसाद चढ़ाना होता है, उसके बाद हम शाकुंभरी देवी चलेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं बाबा भूरादेव, चलते हैं। बाबा भूरादेव की होती है प्रथम पूजा, तो ये है भूरादेव मंदिर शाकुंभरी देवी में। तो आइए अंदर चलते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर आगे चलते हैं वह जो है शाकुंभरी देवी मंदिर। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले प्रसाद लेना होता है। यह प्रसाद की दुकान भूरादेव बाहर है, तो हम पहले हाथ धो लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये है प्रथम दर्शन बाबा भूरादेव के, और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सबसे पहले प्रथम पूजा बाबा भैरवनाथ की होती है, यानी कि भूरादेव की होती है। शाकुंभरी देवी में आप पहले प्रथम दर्शन करेंगे बाबा भूरादेव के, और उसके बाद फिर आप अंदर शाकुंभरी देवी जाएंगे। तो ये है बाबा भूरादेव प्रथम दर्शन। तो ये है बाबा भूरादेव जी का मंदिर, और यहाँ पर ये है आसपास प्रसाद की दुकानें, और ये सामने रास्ता जा रहा है शाकुंभरी देवी, और यहाँ पर आसपास गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं सभी की, और यहाँ पे सब लोग प्रसाद लेने के बाद पहले बाबा भूरादेव पर जो है प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर शाकुंभरी देवी। तो यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है, और यहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी की भूरादेव जी की जो है प्रतिमा स्थापित है, सुरक्षा के निर्देश लिखे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ ये ढोल वगैरह जो है यहाँ पर इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे। और ये जो पीछे आपको लाइन दिख रही है, ये काफ़ी लंबी लाइन होती है, इधर से भी जो है काफ़ी लोग लाइन में लग के आते हैं। और यहाँ पर जो है ये बाबा भूरादेव जी की जो है प्रतिमा है, और यहाँ का प्रांगण है यहाँ पर, और कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। इतनी सुंदर व्यवस्था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी जो है लाइन के लिए कतारें लगाई हुई हैं, और यहाँ पर जब ज़्यादा भीड़ होती है तो भीड़ के दौरान इस जगह से जो है भीड़ को लाइन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये देखिए यहाँ का कुछ इस तरह का नज़ारा है, है बाबा भूरादेव मंदिर, यहाँ का प्रांगण है इस तरह का। यहाँ पर पंडित जी ये प्रसाद जो है दे रहे हैं, और ये बाबा भैरवनाथ भूरादेव जी के दर्शन, और ये यहाँ भूरादेव जी की आरती है, और यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रांगण है। यहाँ पर धूप जो है लगाने के लिए ये वाला एरिया है, यहाँ पे आप धूप और दिया लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। और ये है गणेश जी का जो है गणेश जी की प्रतिमा, और बहुत ही खूबसूरत जो है और बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। और ये यहाँ पर पंडित जी हैं, और यहाँ पर प्रसाद इस तरह से चढ़ाया जाता है। और आगे यहाँ पर श्री हनुमान जी का जो है मंदिर है, जय श्री बालाजी महाराज, जय हो हनुमान बजरंग बली जी की, और पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पंडित जी जो है हनुमान मंदिर के जो है मंदिर पर बैठे हैं, और ये यहाँ पर भक्तों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है भूरादेव जी की परिक्रमा करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं, और परिक्रमा करने के बाद जो है यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा है। और यहाँ पर एक और पंडित जी मिले हैं, जी हाँ ये पंडित जी हैं यहाँ पर। तो आज भीड़ भाड़ बहुत कम थी, और भीड़ ना होने की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं बाबा भूरादेव जी के, और ये प्रथम दर्शन है। इसके बाद शाकुंभरी देवी यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है आगे के लिए, और सभी जो भी यहाँ पर भक्तगण आते हैं सबसे पहले उनको यहीं पर प्रसाद चढ़ाना होता है, उसके बाद शाकुंभरी देवी जी का प्रसाद वितरण फिर वहाँ जाकर होगा। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। यहाँ से एग्जिट होने के लिए ये यहाँ का कुछ प्रांगण है, और यहाँ से आप इस तरह यहाँ पर ये सफाईकर्मी मिलेंगे आपको, और यहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको बाहर का वही नज़ारा दिखेगा जो हमने अभी वीडियो में दिखाया था। तो आइए शाकुंभरी देवी चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं आगे चल के। चलिए आइए। और जो बसें सहारनपुर से शाकुंभरी देवी पर आती हैं वो सबसे पहले आपको यहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर के आगे आपको उतारेंगी, और आप यहाँ से सबसे पहले बाबा भैरवनाथ जी के जो है दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मंदिर है, और कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पर।
सबसे कठिन जो है यात्रा है, इसको बोलते हैं पड़ यात्रा। और ये इन अंकल जी ने बोली होगी, कबूलत होगी इनकी कोई, तो इनका वो जो है बोल कबूलत पूरा हो गया होगा। तो ये जो है अंकल जी लेट कर यात्रा कर रहे हैं। सबसे कठिन यात्रा ये है जो लेट कर करने वाली होती है। तो आज कुछ इस तरह का नज़ारा है फिलहाल यहाँ पर। भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, प्रसाद की दुकानें सभी खुली हैं, खिलौनों की दुकान भी सभी खुली हैं, और कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। और दूर दूर तक आज जो है ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। और मौसम ठंडा हो रहा है, गर्मी नहीं है, धूप भी नहीं है आज। और यहाँ पर कुछ इस तरह का आज का नज़ारा है। तो आज जो है हम शाकुंभरी देवी में उपस्थित हैं आप सभी के लिए। और यहाँ पर हमारे अशोक अंकल जी हैं, हमारे पापा हैं, और आज कृष्णा भी आया हुआ है शाकुंभरी देवी। तो यहाँ पर जो है आज कुछ जो है हम सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं शाकुंभरी देवी में। चलिए आगे चलते हैं, प्रसाद चढ़ा के आते हैं और शाकुंभरी देवी के दर्शन करके आते हैं। आइए भैया, आज कितने का दे रहे हो प्रसाद वगैरह? अच्छा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं, कम से कम 10 का है और ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं, आपकी इच्छा है, आप स्वेच्छा से प्रसाद ले सकते हैं। तो भैया भैया की दुकान है यहाँ पर, एंट्री करते ही भैया की दुकान है। और एक भैया इनके साथ ये हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रसाद की दुकान है। तो चलिए हम भी प्रसाद ले लेते हैं। तो हमने ये प्रसाद ले लिया है और अब चलते हैं मंदिर की ओर, इसको चलाते हैं और दर्शन करते हैं शाकुंभरी माता के। आइए, जय माता दी, जय माता दी। तो अब हम जो है शाकुंभरी माता की ओर चल दिए हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखने को मिली है। ज़्यादा भीड़ भाड़ ना होने की वजह से दर्शन बहुत अच्छे होने की उम्मीद है, और ज़्यादा भीड़ नहीं है। मौसम भी आज जो है बहुत अच्छा है, ज़्यादा भीड़ ना होते हुए आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पे पानी आ गया था, तो पानी ज़्यादा आने की वजह से, जय माता दी। तो यहाँ पे जो है ये, और यहाँ पे अंकुल भाई भी जो है उपस्थित है आज, जय माता की। और यहाँ पे पूरे परिवार के साथ अंकल जी आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं शाकुंभरी माता की ओर और दर्शन करते हैं। आइए, तो ये खेल खिलौनों की दुकान भी पूरी तरीके से खुली हुई है, और बहुत अच्छी व्यवस्था जो है आज यहाँ देखने को मिल रही है। दोनों ओर मार्केट खुली हुई है, और यहाँ पर प्रसाद वगैरह की दुकानें सभी ओपन हैं। जैसा आपने देखा है यहाँ पर, ऐसी ही मार्केट एज इट इज़ है। आज कुछ दुकानों की संख्या ज़्यादा है, और सभी दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकानों की व्यवस्था है, और यहाँ पर जो है ये भैया जो है कढ़ी चावल और खाने का सामान बेच रहे हैं। तो चलिए पहले प्रसाद चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है खाने पीने की दुकानें इस तरह हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है शाकुंभरी देवी में आने के बाद। यहाँ की कढ़ी चावल बड़े फेमस होते हैं, तो अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो कभी ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल हम उपलब्ध हैं शाकुंभरी देवी के दरबार में, और ये है पीछे जो है शाकुंभरी माता का एंट्री गेट। और अंदर चलते हैं, अंदर जाकर के प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कराते हैं। चलिए, तो जब भी आप शाकुंभरी देवी में आए तो आपको यहीं से लाइन से एंट्री करनी होती है। के बारे में आपको लाइन दिखा देता हूँ। वो लाइन जहाँ से सभी लोग लग के आते हैं पीछे से, और अभी तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो पीछे से जो है बहुत जोर शोर से जो है लोग भीड़ में आते हैं। और इधर से देखिए बहुत लंबी लाइन है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। ऊपर जो है बारिश से बचने के लिए जो है छत वगैरह का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, गर्मी से बचने के लिए पंखे हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का सीन है, इस तरीके का नज़ारा है। आज कुछ धुंध जैसा कुछ माहौल है, और ये यहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं। भीड़ भाड़ के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, लेकिन आज भीड़ भाड़ नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों ये है शाकुंभरी माता का दरबार, तो आइए अंदर चलते हैं। तो ये है माता शाकुंभरी देवी का एंट्री गेट। यहाँ से ऊपर सीढ़ियों के द्वारा जाना होता है, फिर आपको अंदर दर्शन देखने को मिलेंगे। आप वहीं पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। धूप वगैरह के लिए पहले स्थान है, आप अपनी धूप और बत्ती वहाँ पर रख सकते हैं। और चलिए हम भी दर्शन करते हैं, आइए। जय, तो ये कुछ सीढ़ियाँ इस तरह से हैं। जय, यहाँ पर जो है पंखे वगैरह सब कुछ अच्छा लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है शाकुंभरी देवी दरबार में। ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह का है।
तो अंदर से शायद मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको अंदर से, क्योंकि शायद वहाँ पे फ़ोटो और वीडियो बनाना शायद बंद है। तो यहाँ पे शाकुंभरी देवी का दरबार कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है, पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। काफ़ी श्रद्धालु यार लोग जो है लाखों लोग आते हैं। तो यहाँ पर धूप वगैरह जो है सभी लोग लगा रहे हैं शाकुंभरी देवी के दरबार में, और यहाँ पर इस तरीके का नज़ारा है कुछ अंदर से। तो ये वाला एग्ज़िट गेट है, और यहाँ से हमने एग्ज़िट किया है शाकुंभरी देवी से, और दर्शन करने के बाद हम नीचे की ओर जा रहे हैं, और यहाँ से कुछ इस तरीके का सीन है। ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और फिर आप वहीं पे चले जाते हैं जिस रोड से आपने एंट्री किया था, और यहाँ से जो है दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ है, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी आती है, और यहाँ से आप सीधे एग्ज़िट कर सकते हैं ये देखिए। और हमने उस वाले गेट से जो है एंट्री की थी, हमने यहाँ से एंट्री किया था और हमने यहाँ से एग्ज़िट किया है। तो यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह की है। तो दोस्तों ये है पुलिस चौकी शाकुंभरी देवी, तो ये पुलिस चौकी है, और ये जो है एक धर्मशाला है यहाँ पर, और कई सारी धर्मशालाएँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और कुछ इस तरह का यहाँ पर सीन है, और यहाँ पर बहुत अच्छी जो है व्यवस्था है यहाँ पर ये देखिए। और ये यहाँ की मार्केट है, प्रसाद वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं घर ले जाने के लिए, और फिर आप यहाँ से अपने घर के लिए प्रसाद लेकर के दर्शन करने के बाद ले जा सकते हैं दर्शन। बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, व्रत रखने के बाद यहीं पे जो है प्रसाद वगैरह खाते हैं आकर के और दर्शन कर। आइए अब चलते हैं छिन्नमस्ता देवी मनसा देवी की ओर, यहाँ पर एक और मंदिर है जो पहाड़ी के ऊपर है, तो चलिए उस मंदिर पर चलते हैं, उसके दर्शन कराते हैं आपको। आइए तो सहारनपुर से बस चलने के बाद यहाँ पर आकर रुकती है, और यहाँ पर सभी यात्रियों को बस यहाँ पे छोड़ देती है। ये बस सहारनपुर अड्डे से चलती है जो कि बेहट बस स्टैंड में शाकुंभरी बस स्टैंड है वहाँ पर है, और ये बसें यहाँ पर आकर रुकती हैं, और यहीं से सवारी दोबारा लेकर के सहारनपुर चली जाती हैं। शाकुंभरी देवी में यहाँ पर श्री शंकराचार्य आश्रम भी है, और यहाँ पर देखिए अर्जुन और जो है श्री कृष्ण जी जो है गीता का उपदेश लेते हुए यहाँ पर फोटो लगी है एक, और इधर शिव जी की फ़ोटो लगी है, शिव शंभू की फ़ोटो लगी है, और ये जो है शंकराचार्य आश्रम श्री सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी में स्थित है। और यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ के सीन है, बहुत ही अच्छा व्यू है आज का। तो आइए अब चलते हैं माता छिन्नमस्ता देवी जी की ओर, और यहाँ पर माता छिन्नमस्ता देवी मनसा देवी का ये मंदिर है, प्रसाद की दुकान ऊपर है तो प्रसाद ऊपर से ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, और जो है बहुत सारे यात्री लोग ऊपर से प्रसाद चढ़ाने के बाद नीचे की ओर आ रहे हैं, और हम चलते हैं ऊपर। तो आइए चलते देखते हैं ऊपर का क्या है स्थिति। तो फिलहाल हम जो है छिन्नमस्ता देवी की ओर जा रहे हैं, और ऊपर है मंदिर। बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी गाड़ियां हैं, और यहां पे फ़ोटो शूट हो रहा है, एक बच्चे जो है यहां पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं, और तुरंत आपको फ़ोटो निकाल कर दे रहे हैं, प्रिंटर वगैरह रखा हुआ है। यहां पे शेरावाली माता जी की तस्वीर है, और वहां पर फ़ोटो खींच रहे हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो यहां पे एक जो है बोर्ड लगा है छिन्नमस्ता देवी का, और यहाँ पर देखिए पहाड़ जो है ऊपर, और पहाड़ी पर बंदर वगैरह झूल रहे हैं पेड़ों पर। तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके का सीन है माता मनसा देवी के मंदिर में, ज़्यादातर लोग जो है शाकुंभरी देवी में प्रसाद चढ़ाने के बाद ही जाते हैं। और यहाँ से नीचे का कुछ नज़ारा इस तरह का है, देखिए वो रहा वहाँ पर जो है माता शाकुंभरी जी का मंदिर, और ये यहाँ से नीचे बिल्डिंग्स वगैरह हैं। ये नीचे देखो शंकराचार्य आश्रम दिख रहा है जो हमने आपको भी दिखाया था, ये रहा अर्जुन का और कृष्ण का जो है फोटो, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का नज़ारा है। चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए हम फिलहाल जो है छिन्नमस्ता देवी सिद्धपीठ पर आ चुके हैं, और यहाँ से मंदिर का गेट कुछ इस तरीके का है। इन भैया की दुकान है प्रसाद की, और फिलहाल जो है सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं, और ये छिन्नमस्ता देवी का मेन एंट्री गेट है। चलिए अंदर चलते हैं। का मंदिर है, और यहाँ पे आगे का सीन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक प्राचीन पेड़ है, और यहाँ पर जो है जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए धागा बांधता है इस छिन्नमस्ता मनसा देवी के जो है दर पर, तो ये जो है प्राचीन मंदिर के पास एक पेड़ है, और इस पर जो भी अपनी मनोकामना के लिए धागा बांधता है उसकी मनोकामना 100% पूरी होती है, ऐसी यहाँ की जो है मान्यता है। तो आप जब भी आएँ तो एक बार यहाँ भी ज़रूर आएँ। तो यहाँ नीचे से लोग ऊपर आ रहे हैं, और सीढ़ियों से चलते हुए काफ़ी लोगों की सांसें फूल जाती हैं, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। सामने का व्यू देखिए आप पहाड़ों का, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, और बहुत बढ़िया जो है
यहाँ पर व्यू है, हरे भरे पेड़ हैं और पेड़ों के ऊपर बंदर वगैरह जो है आपको कूदते फांदते मिलेंगे, ये देखिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक का बटन जल्दी से दबाइएगा, और फिर नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।